कितना मजा आया ना दादी, हैशटैग बेस्ट नाइट आउट है। मुझे ना आपके साथ नाइट आउट करना बहुत अच्छा लगता है। बस कमाल की बात ये है कि इतने सालों तक टाइम ही नहीं मिला मुझे। वो बात नहीं है बेटा, मुझे लगता है नहीं तुझे ठीक से टाइम नहीं दे पाई। वो क्या हुआ कि जब से मिष्टी आई बस मैं उससे ही ज्यादा जुड़ गई। लेकिन क्या करती, मिष्टी थी भी तो बिल्कुल अकेली ना। पर डोंट वरी दादी, अब तो मिष्टी की शादी हो जाएगी, अपने हस्बैंड के साथ रहेगी, हम दोनों मिलके खूब सारा नाइट आउट किया करेंगे। अच्छा, पर शादी तो तेरी भी हो गई है, तू भी तो जाएगी अपने हस्बैंड के पास, फिर कैसे करेगी नाइट आउट? अब मिश्री के गुड़धाने के बाद तो तू भी चली जाएगी ना। ये लो दादी, मिश्री आ गई, आप इससे बात कीजिए, मैं आती हूँ। आजा बेटा बैठ ना। और बता, तेरा काम पूरा हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं आई? बड़ी माँ, मैं आपसे कल रात के बारे में नहीं, कल सुबह के बारे में बात करने आई हूँ। मुझे भी तुझसे कल सुबह के बारे में बात करनी है। तेरा गोरधाना है कल, बता क्या पहनेगी? नहीं बड़ी माँ, वो एक्चुअली मुझे मुझे कल राजगढ़ जाना है। क्या राजगढ़ कल? पर क्यों बेटा? बड़ी माँ प्रॉमिस कीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। मिष्टी क्या बात है, तू ऐसे क्यों कह रही है? क्योंकि मुझे मेहुल अंकल पे डाउट है। मुझे मेहुल अंकल पे डाउट है। अंकल जैसा दिखा रहे वो वैसे नहीं है। जैसा दिखा रहे वो वैसे नहीं। बड़ी माँ, अबीर के पापा अबीर से कुछ छुपा रहे हैं। सुप्रभात। वाह 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 वाह। अरे कहाँ जा रही हो, इतनी सुहानी सुबह है, थोड़ा तो नाश्ता करके जाओ। सुबह सुबह नाश्ता करना बहुत जरूरी होता है। हाँ। मुझे भूख नहीं है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। ओहो, अभी से भूख गायब हो गई। अब सबके सामने जब कुणाल का सच बताऊंगा तब क्या होगा, क्या होगा? गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग भाभी जी, आइए आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी जी, आप क्या हाथों में जादू है, क्या चाय बनाती है। थैंक यू, थैंक यू। बैठिए ना, बिल्कुल चाय पीते आइए। निधि जी, बहन बा, अरे बहुत बहुत ज्यादा काम है मुझे, मैं अभी आई। बताइए अब आपको क्या चाहिए। अपने बड़े बेटे को संभालने का जिम्मा मुझ पर डालकर तुम आराम से बैठे। मतलब माँ हो, उसे समझाओ, उसे कहो कि ये घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये लगता है कि मैं चाहती हूँ अबीर मुझे छोड़कर परिवार को छोड़कर जाए? कौन आ गया? अब ये कौन सी चाल चलेंगे? थिंग्स अबीर, अबीर दरे। ये अबीर के लिए आया है। मैंने कहा ना दे दे। मेहुल, मेरे बेटे ने मुझे ये हक दिया है। वो आपका बेटा नहीं है, मेरा बेटा है, अबीर राजवंश। बेटा लेकिन तूने तो कहा था कि कल तू एनजीओ के काम से। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती बड़ी माँ, इस पूरी सिचुएशन में मैं अबीर को सच नहीं बता सकती। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सिचुएशन को समझे, मेरा कल राजगढ़ जाना बहुत इम्पोर्टेंट है बड़ी माँ, प्लीज। बेटा पर कल ही जाना क्यों जरूरी है? कि वो मेला सिर्फ कल लगने वाला है बड़ी माँ, ये मेहुल अंकल का सच जाने का सिर्फ इकलौता चांस है मेरे पास। अगर तेरा शक गलत निकला तो आई जस्ट होप कि इस बार मैं गलत निकलूं, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हुई तो बड़ी माँ आपको याद है जब मेरे पापा ने आपको ब्लैकमेल किया था तब मैं कितनी हर्ट हुई थी बड़ी माँ। मैं इसी हर्ट से अबीर को बचाना चाहती हूँ बड़ी माँ, मेरे लिए नहीं तो अबीर के लिए। प्लीज बड़ी माँ समझने की कोशिश कीजिए, मुझे राजगढ़ जाना है प्लीज। नहीं क्या है ये, खुद ही देख लो। ये डिजाइन मुझे पसंद आया था, क्या है मैंने अबीर को दिखाया, उसे भी पसंद है, उसने कहा बाबा तेरी चॉइस उसकी चॉइस एक ही है।
अबीर। अबीर कापड़िया वेड्स मिष्टी अग्रवाल। बड़ा गुरूर था ना अपने परवरिश पर। आज पैदाइश ने परवरिश को मात दे दी। अब अबीर तुम्हारा नहीं रहा विनाश राजवंश, अब वो मेरा हो गया है अबीर मेहुल कापड़िया। मैं जानती हूँ कि आप कितनी ऊंची हरकत कर सकते, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना नीचे गिर जाओगे। अपने फायदे के लिए आप अपने बेटे अबीर का इस्तेमाल कर रहे, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने भले ऐसा किया हो, मेरा अबीर ऐसा नहीं है। ये बाबा ने नहीं, मैंने किया। बेटा ये आइडिया मेरा था। माँ बेटा ये तेरे लिए आया था, लेकिन इन्होंने इन्होंने खो दिया। अबीर कापड़िया लिखना तुम्हारा आइडिया था? हाँ माँ, मैंने बाबा से पूछा था कि क्या मैं उनका नाम अपने नाम के साथ जोड़ सकता हूँ। उन्होंने हाँ कहा तो। बेटा इससे बड़ा और सम्मान क्या हो सकता है कि अपने बाबा का नाम तुम आगे बढ़ाना चाहते हो। ऑफिशियली अबीर राजवंश से अबीर कापड़िया हो जाएगा। अबीर अपने बाबा से और ज्यादा अटैच होता जा रहा है। अगर मेहुल अंकल की वजह से अबीर का दिल टूटा तो वो भी टूट जाएगा। बड़ी माँ मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। बड़ी माँ मुझे अबीर के लिए जाना होगा। I promise, मैं कोर्ट आने से पहले वापस आ जाऊंगी। पड़ी माँ मैंने कहा ना मिश्री कल नहीं। पड़ी माँ प्लीज आप। मैंने कहा ना बस। तूने मेरा फैसला सुन लिया ना मिश्री? अब इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी। मुझसे पीछा छुड़वाने में कौन सी कमी रह गई थी अबीर कि अब तुम मेरा नाम भी पीछे छोड़ रहे? हाँ, मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ रहा हूँ। बस जो पीछे छूट गए थे उनका हाथ पकड़ के उन्हें अपने साथ लेके आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाबा का आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे बना रहे। इसलिए जो आपने नाम दिया है उस नाम के साथ बाबा का नाम जोड़ के आप दोनों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। अबीर ये दो नाम कभी जुड़ नहीं सकते। अभी मासी ये नाम आशीर्वाद नहीं ग्रहण है। ग्रहण मैं ये गलती तुम्हें नहीं करने दूंगी। पारुल जाने दीजिए, ये फैसला अबीर का है, सजा मेरी। पारुल मैं ही अच्छी मां नहीं बन पाई, इसीलिए तो अबीर को मेरे नाम से भी शर्मिंदगी हो रही है। माँ प्लीज ऐसा मत करिए। तुम्हें शर्म आती है? पता है तुम क्या करने जा रहा है? तुम अपनी माँ का नाम हटाकर ऐसे आदमी का नाम लगाने जा रहे हो तुम्हारे। पारुल अभी तुम घर छोड़कर जाना चाहते हो ना? मैं नहीं रोकूंगी। घर बदलना चाहते हो घर बदल लो, परिवार बदलना चाहते हो परिवार बदल लो, लेकिन एक सच कभी नहीं बदल सकता। अबीर मीनाक्षी राजवंश का बेटा है और हमेशा रहेगा।
मत रोइए पारुल, इसे जाना है ना जाने दीजिए। माँ अंबे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करे। खुश मैं तो बस मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां लाना चाहता था, पर बार बार गम के बादल मंडराते रहते हैं। जिन मौकों को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो मातम में बदल जाता है। गुड, कम से कम अब तो आपको रियलाइज होगा कि आपके इस घर में आने से ये घर खुशियां मनाना भूल गया। बड़ी माँ, अगर बात इतनी सीरियस नहीं होती तो मैं आपसे जिद नहीं करती। बड़ी माँ प्लीज। शौर्य की माँ, अच्छा हुआ आप आ गए। क्या बात है मिस्टी, आप अपनी बड़ी माँ से ऐसी कौन सी सीरियस बात कर रही थी है? क्या हुआ, क्या आपको मीनाक्षी जी ने कुछ कहा या फिर कुणाल ने? फोन उठाना नहीं होता तो रखती क्यों? नहीं क्यों फोन रखता हूं? किसका फोन है ये? मेरा है, ताकि वो मुझसे बात कर सके। तुम्हारे लिए ही तो लिया था। नहीं बड़े पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली कोई बात ही नहीं है। बात कैसे नहीं है मिस्ट्री? इतनी देर से ये मुझसे जिद कर रही है कि आज और कल दोनों दिन सिर्फ आपके साथ टाइम बिताना चाहती है। अरे वाह, हमें तो लगता था मिस्टी की जब से अभी तुम्हारी जिंदगी में आया है तुम तो हमें याद ही नहीं करोगी। बड़े पापा आप प्लीज खुद को उस अजीब राजवंश से कंपेयर मत किया कीजिए। आपको पता है जब आप मेरे साथ में होते ना मुझे कभी भी आपकी याद आती। अच्छा, तो फिर ठीक है, जब तक तेरा गोरधाना नहीं हो जाता तू एक मिनट के लिए भी अपने बड़े पापा से दूर मत जाना। मैं प्रॉमिस करती हूँ बिल्कुल नहीं जलूंगी। लेकिन बड़ी माँ, देखा हम आपसे हमेशा क्या कहा करते थे कि मिस्टी आपसे ज्यादा हमें प्यार करती है। जी कहा था और आज मैंने मान भी लिया। जब तक आपकी बेटी अपने गोरधाने तक मेरी नसरों के सामने है तब तक मुझे कोई शिकायत नहीं होगी।
बाबा। चले जाइए आप यहाँ से। गलती तुम्हारी है। मैंने जो मांगा था मुझे पहले दे दिया होता तो मैं यहाँ नहीं आता। अब तुम्हारे रास्ते में सिर्फ एक ही काटा होता, मिश्ती। डराओ मत। मुझे पता नहीं था कि जीत इतनी आसान होगी। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। मिश्ती और अबीर को दूर करने की कोशिश न की होती तो आज अबीर तुम्हारे पास होता। खैर, अब तुमने तो देख ही लिया मेरे एक इशारे पे अबीर क्या क्या कर सकता। शेर की मान में घुसे चले आए आप। अम्बे माँ की सौगंध अपने बेटे के लिए हर माँ शेरनी बन जाती है। और शेरनी को काबू में लाना मुझे अच्छी तरह आता है। अब तुम मेरे काबू में हो मीनाक्षी राजवंश। शेरनी तो वार करती है, तुमने तो मेरे साथ सौदा किया। मुझे मेरी दौलत तभी मिलेगी जब मैं अपने बेटे को मना पाऊंगा और मेरे पीठ पीछे राजगढ़ चली गई। को जो चाहिए मिल जाएगा। अब शेरनी बनी भीगी बिल्ली। ये ले। ये सब क्या है? ये सब ये मैं अपनी फ्रेंड के बुटीक से ना तेरे लिए कुछ कपड़े और ज्वेलरी लेकर आई हूँ। है ना, अच्छे है ना? हैशटैग ट्रायलेट हो मेरे लिए। जस्ट रिलैक्स मिष्टी, मेरे घर पे होते हुए तू अपने गोधाना में ऐसे बोरिंग कपड़े पहने, मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ, राइट? हैशटैग रेप्यूटेशन का सवाल है, इसीलिए ऐसा मत समझना कि मैं तुझे लाइक शेयर करने लगी हूँ। हैशटैग नो लाइक शेयर। हाँ वैसे अच्छी बात है, मुझे भी तुझे लाइक बैक नहीं करना पड़ेगा। व्हाटएवर, वैसे खुश तो बहुत होगी ना तू, तेरा सपना पूरा हो रहा है। तू जैसा चाहती थी वैसे ही हो रहा है। I'm sorry. It's okay, मिष्टी। मुझे तेरी सिंपैथी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कहूँ मैं तुझे बुक्स दे सकती हूँ, लेक्चर दे सकती हूँ, कभी कभी फूल भी दे सकती हूँ, लेकिन सिंपैथी नहीं दे सकती, क्योंकि सिंपैथी हमदर्दी ना ये सब वीक लोगों के लिए होता है। Cool is hashtag सबसे स्ट्रॉन्ग। तो जितना स्ट्रांग समझती मैं उतनी भी स्ट्रांग नहीं हूँ। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसीलिए मुझे स्ट्रांग रहने की एक्टिंग करनी पड़ती है। अब एनीवेज, मुझे ना ड्रेसअप करते टाइम ऐसे डिप्रेसिंग बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे भी जब तेरा गोधाना हो जाएगा उसके बाद तो डिप्रेशन होना ही है। हैशटैग रोना धोना, मैं सबको सच बताने वाली हूँ। पापा सब ठीक तो है ना? वो पूछो जो तुम पूछने आए हो। पूछो कि इस औरत ने आपको तंग तो नहीं किया ना बाबा, परेशान तो नहीं किया ना बाबा। बाबा इस वक्त आप प्लीज माँ से लड़ाई मत कीजिए। वो क्या है ना, वो ऑलरेडी मेरे घर छोड़ के जाने के डिसीजन को लेके बहुत परेशान है। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? ये डिसीजन मैंने उन्हें हर्ट करने के लिए नहीं लिया। मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं गया है मेहुल, और मैं राजगढ़ नहीं गई थी, इसलिए अब मैं जानती हूं कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।